कलाकारी कर रही हुई है, इंडिया से मंगवाई है ये पिक्चर ना। बड़ा सिंपल है, जैसे ये अपना वायर लगी हुई है, ये वायर फोन में लगा के यहाँ से अपने प्रिंट कमांड दे। बिल्कुल यार, क्वालिटी बड़ी अच्छी है इनकी ना। कैप तो उतार दे रहा है, कैप तो उतार दे पापू पापू। तो ये आ गया भाई अपना पोस्टल ऑर्डर बनवाने के लिए, अपना पोस्ट ऑफिस। बेटा बैग पैक हो गया पापा का, बेटा उसमें डालो, पापा का जिम कार्ड है, चल उसमें डाल। वेरी गुड, थैंक यू। तो हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो, दिस इज सचिन और दिस इज छोटा सचिन। जो आज की वीडियो है ना, ओसीआई अब तक नहीं अप्लाई करा, कल जाएंगे, कल ट्यूजडे है और 12 बजे से पहले एनीवे अप्लाई करना था। तो आज जो था ओसीआई के लिए पिक्चर हमने प्रिंट करनी थी। बेटा ये लॉक है, उसमें लग। हाँ वेरी गुड, बंद कर। यहाँ पे ना पिक्चर के होते हैं अराउंड 15 यूरो की आपकी खींचता है कोई भी, तो बेस्ट वे क्या होता है कि आप अपने आप पिक्चर ले लो फोन से। आपने उसको कैसे प्रिंट करना, नियरली 1 to 2 यूरो लगेंगे। anyway, देखते हैं क्या प्राइस में वो प्रिंट करेगा। और दूसरा, आपने उसको कैसे बनवाना है, अगर आपका कोई रिलेटिव इंडिया में है जो कि फोटोग्राफी काम करता है, फिर कोई यार दोस्त है इंडिया बहुत होते हैं भाई ना, तो उनको आपने सेंड करने है फोटो, वो आपको वापस सेंड कर देंगे, तो एक बना के दे देंगे आपके फोन में, तो वो सिर्फ आपने प्रिंट करने है, उसको कट कर लेना है, ईजी है। एनीवे मैं दिखाऊंगा। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल जिम जा रहे हैं और उसके बाद चलेंगे वहीं पे, पास में है जो शॉप वगैरह भाई। जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं होते चेक करते हैं एयरपोर्ट पे, वैसे चेक कर रहा है बैग ना। बेटा जिम का बैग है, इसमें कुछ नहीं है फालतू। बाय रायन। और आज मौसम देखो भाई, अराउंड 26 डिग्री टेम्परेचर है। वो खड़ी हुई है अपनी रामप्यारी, चलो पहले गाड़ी में बैठते हैं। तो भाई साहब इंडिया वाली गर्मी लग रही है, अंदर गाड़ी के बिल्कुल बैठ के ना बिल्कुल गर्म सीटें हो रही हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई इतनी गर्म हो गाड़ी अंदर। 27 डिग्री टेम्परेचर है और गर्मी भाई बिल्कुल टका के पड़ रही है इंडिया वाली। कई व्यूअर्स भाई ये पूछते हैं कि भाई यहाँ पे आके आपको जॉब मिल जाएगी ना, मिल जाएगी भाई सचिन आपके पास जॉब है, जैसे आपके पास अपनी शॉप है तो भाई वहाँ पे कोई जॉब है। तो मैं लिखता हूँ भाई हाँ, तो उनका रिप्लाई आता है कि भाई मेरा वीजा लगवा दो। भाई मैं ऐसे वीजा नहीं लगा सकता किसी का भी, क्योंकि इमिग्रेशन के हाथ में होता है सब कुछ। मैं ऐसे वर्क परमिट भी नहीं इशू कर पाऊंगा किसी का भी। तो बेटर है कि आप आयरलैंड में आ जाए, तब आप कॉन्टेक्ट करो कि हाँ भाई जॉब दिला दो हमको ना, तो ये बेस्ट भी होता है। तो आप इंडिया में बैठ के यहाँ से जॉब मांग रहे हो वो ईजी नहीं होता, क्योंकि अगर आप आयरलैंड में होता भाई मैं ईजिली आपकी जॉब लगवा दूंगा। एनीवे अगर मेरे पास भी स्टाफ की जरूरत होती है तो मैं जरूर लगवा दूंगा। तो ये है कि भाई अपनी जिम देखो, इन्होंने नीचे पार्किंग लगा दिया अपना अपनी जिम वास्ते, क्योंकि ना काफी दूर जाना पड़ता था। तो ये सामने अपना फ्लाई फिट के जिम के लिए अपना ये लगा दिया इन्होंने पार्किंग सामने, लिख रखा है ओनली फ्लाई फिट मेंबर्स। तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके अपना जाना है हमने ऊपर जिम में, जिम यहीं पे है सामने, ये लिफ्ट है यहीं से जाएंगे। क्योंकि जो पहले जिम की पार्किंग होती थी बहुत दूर होती है, आपने लास्ट वीडियोज में देखो ना, क्योंकि कई बार बारिश हो रही होती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, भाग के जाना पड़ता था जिम में। लेकिन अब ईजी हो गया, जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग कर दिया इन्होंने सारी जो जिम की पार्किंग लगी हुई है ना। मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया और प्रोसीड है टप के, ये आ गया हम सामने ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे पहले गाड़ी का पार्क करते थे। तो जो लास्ट की वीडियो थी वो थी डिलीवरी के ऊपर, डिलीवरी ड्राइवर के जॉब के बारे में। तो उसको वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ना, यहाँ पे शोर ज़्यादा आ रहा है तो जिम के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनली भाई हो गया जिम, और ये देखो इन्होंने डोर खोल रखे हैं क्योंकि ना अंदर गर्मी बहुत हो रही है। एनीवे एयर कंडीशनिंग लगे होते हैं लेकिन बाहर की मे बी आज उन्होंने हवा लेने के लिए, बाहर की फ्रेश हवा के लिए कर रखा है उन्होंने। और जिम के बाद घर जाने का मजा अलग होता है, नहा धो के भाई ना फीलिंग अलग होती है, ऐसे लगता है कि भाई दिन का आधा काम तो हो गया, फिनिश हो गया। हाँ तो मैं बोल रहा था कि लास्ट की जो वीडियो थी ना, काफ़ी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि सचिन हम यहाँ पे आयरलैंड हमको बुला लो वर्क परमिट में, या फिर आपके पास जॉब हो तो हमको जॉब पे बुला लो। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है कि आयरलैंड में आपको वर्क परमिट पे मैं नहीं बुला पाऊंगा, वो आपको इमिग्रेशन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप एक बार यहाँ पे आ जाते हो आयरलैंड में तो उसके बाद जैसे आपका जॉब लगना ईजी हो जाता है किसी भी फील्ड में, जैसे पिज्जे में या फिर डिलीवरी में जो भी इजीली मिल जाती है। और अब सीधा चलते हैं जहाँ पे हमने ओसीआई की पिक्चर बनवानी है, दिखाता हूँ आपको कैसे मैंने वो निकलवानी है, प्रिंट करनी है। और जैसे इन्होंने एग्जिट के लिए इन्होंने ये नंबर लगा रखा है, ये हर रोज अपडेट करते हैं। और हमने जाना है बिल्कुल सामने हार्वी नॉर्मन, वहाँ से प्रिंट करनी है अपनी पिक्चर्स। तो यहीं पे आसपास कहीं पे गाड़ी लगा लेनी है पार्किंग। ये देखो जैसे मैंने ना इंडिया से मंगाई हुई है ये पिक्चर ना, तो इसी को प्रिंट कर लेना है, तो इसको निकाल लेना है। ये सस्ते में प्रिंट हो जाते हैं और इजी भी है। जैसे यहाँ पे आप आओगे, ये जो दुकान है ये पिक्चर नहीं आपके लेंगे, पिक्चर लेने के लिए अगर आपने फोटो खिंचवानी है पासपोर्ट साइज, तो आपको पास में एक स्टोर है वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो आपको पिक्चर निकाल के देंगे जो कि अराउंड 15 यूरो की पड़ती है। तो ये अपना जो जुगाड़ है ये भाई 1-2 यूरो में हो जाना है। इन्हें चेक करते हैं जाके कितने यूरो में वो प्रिंट करेंगे। और ये सारी पार्किंग लगी हुई है बिल्कुल साइड में लगाई है भाई ने ना, देखो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है। और ये सामने है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान ये सारा बेचते हैं, उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंट का भी सामान है इनके पास सारा। और ये लगा हुआ अपना सारा फोटो सेंटर, चलो ट्राई करते हैं। प्राइस देखो 20 सेंट
एक पिक्चर का बड़ा सिंपल है, जैसे ये अपना वायर लगी हुई है, ये वायर फोन में लगा के यहाँ से आपने प्रिंट कमांड दे दिया और प्रिंट हो जाएगा। ये अपनी फोटो लगा दी है और इसमें आने लग रहा है ना, इसको प्रिंट करने के बाद मैंने उसको पे कर दिया, देखते हैं कितने पे करते हैं। एनीवे भाई 2 यूरो ही लगने हैं। फोटो बड़ी अच्छी आ रही है भाई, क्या कहोगे, कलाकारी कर रही हुई है, इंडिया से मंगवाई है ये पिक्चर ना, वाइट बैकग्राउंड और बिल्कुल भाई क्लीन फेस करके भाई मैंने बनवाई है इस साइज की फोटो, और पैसे देखते हैं कितने लगे हैं। तो भाई उधर अपना पे कर दिया 250 ओनली भाई, 2.5 यूरो में फोटो खींच गई है। और ये अपना GoPro का प्राइस देखो, लास्ट वीडियो में दिखाया था GoPro 9 लगा हुआ भाई, हीरो ब्लैक 2429 का ओनली, और 10 इतना फ़र्क नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है 529 का। ये है GoPro 9, GoPro 10, और इनकी बैटरी बड़ी एक्सपेंसिव है भाई, देखो एक बैटरी लगी हुई है 19 यूरो की। और मेरा फेवरेट कैमरा जो मैंने लेना है कभी के टाइम में, होपफुली भाई सून G7, ये ट्राईपोड के साथ है बट विदाउट ट्राईपोड 899। और ये अपना इधर लगा हुआ ड्रोन का प्राइस 1000 यूरो का है, DJI Air 25, और ड्रोन 2849 का। हाँ गिम्बल अगर किसी को व्लॉगिंग का भाई शौक है, ये लगा हुआ है 199 यूरो का DJI, एक लगा हुआ है 159 का, ये थोड़ा बड़ा है मेरे को नहीं पसंद है। ये देख कितनी अच्छी लगी है नहीं, बिल्कुल जैसे फ्रेश, और उसको अभी मेजर करेंगे। तो भाई फाइनली पिक्चर तो हो गया प्रिंट, और मैं आपको पिक्चर की क्वालिटी दिखा देता हूँ जो मेरे को बड़ी सही लगी है, जैसे ना आपकी देखो बिल्कुल ना शाइनिंग से में आ जैसे पिक्चर ना, बिल्कुल यार क्वालिटी बड़ी अच्छी है इनकी ना। तो ये जो मेरे को पड़ी है पिक्चर, ये पड़ी है 2.50 यूरो की, क्योंकि मिनिमम चार्जेस जो वो लेते हैं ना, वैसे तो ये नियरली 1 यूरो की पड़ जाएगी आपको, लेकिन मिनिमम चार्जेस जो दुकान के होते हैं होते हैं कि 2.50 यूरो से आपको इतना परचेज करनी पड़ेगा या फिर इतनी की पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ पॉलिसी होनी इनकी। तो एनीवे 2.50 यूरो नॉट बैड यार, मैंने क्या अगर अपने फ़ोन से फोटो खींच के मैंने इंडिया भेजी, इंडिया से उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट में सेंड कर दिया जिससे क्वालिटी डाउन नहीं होती है, तो प्रिंट कर ली और कल जाके OCI में देके आनी है, OCI बन जाए होपफुली। और साथ में मैंने आज क्या बनवाना है, अपना बैंक ड्राफ्ट या फिर अपना पोस्टल ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे वहाँ से भी आज ये भी काम कर लेना है 230 यूरो का प्लस 3 यूरो का, जिसके ऊपर चार्जेस भी लगते हैं थोड़े, 240 यूरो के करीब और खर्च हो जाएगा। तो फिर घर चलते हैं, और घर जाने के बाद चलेंगे फिर जहाँ से हमने पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। और जो कैमरा मैंने आपको दिखाया G7, बड़ा प्यारा लगता है भाई मेरे को देखने का ना, मेरा मन बड़ा करता है बाय करने का। एनीवे अगर किसी भाई को पता हो, कोई व्लॉगिंग करता हो तो वो चैनल को देख रहा है, जरूर रेकमेंड करना कि कैमरा लिया जाए तो कौन सा लिया जाए। चलो फिर चलते हैं एनीवे घर भाई। तो कैसी है भावना, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया अच्छी है री है ना? पर वैसे मैंने लगा नहीं था कि फोन पे ऐसी आ गई। हाँ नहीं यार, इंडिया बड़ा सिंपल है ये चीज ना, जैसे मैंने बताया ना, इंडिया से आप अपने फोन में मंगा लो, डॉक्यूमेंट के थ्रू मंगा लो, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से मंगा रहे हो, क्योंकि उसमें ना पिक्चर क्वालिटी कम नहीं होती है, डाउन नहीं होती। तो लो जब निकल रहा है सीधा पोस्ट ऑफिस के लिए, जहाँ से हमने जो कि पोस्टल ऑर्डर बढ़ाना है पोस्ट ऑफिस से, 230-240 यूरो का इंडियन एम्बेसी के नाम से, जो कि OCI अप्लाई करना है कल। पेन बिटर कैप पहन रखी, जब ये घर से बाहर निकलता है ना भाई, ये कैप पहन के निकलता है, इसको आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हर टाइम तो अभी सर्दी होती है तो इसको कैप पहना के रखते हैं, इतनी गर्मी हो रही है आज गर्मी में, इसने ना कैप पहन रखी है। और ये अभी राइन की नई कार सीट, कैसी है बेटा, ठीक है? ठीक है। और इस साइड में पार्किंग लगी हुई है ना, सोच रहे कि यहाँ पे लगा दे, लेकिन ना नीचे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना भाई धूप में खड़ी रहेगी गाड़ी ना, तो सही नहीं है, ऑलरेडी गर्म हो रही है, तो नीचे क्या है कि भाई शाम में खड़ी रहेगी। ओ खोल बेटा, वेरी गुड, चला जा। कैप तो उतार दे ना, इसको देख के ना भाई हमको ही गर्मी लग रही है, इनको ना भाई हम पहली बार बग्गी के बिना लेके जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर में, जहाँ से हमने पोस्ट ऑर्डर बनवाना है। पूरा नजारे से चल रहा है ना, मजे लेके चल रहा है, क्या कि ना भाई मेरे को पता है इसमें तंग कर देना, जैसे हमने अंदर जाना है शॉपिंग सेंटर, इसमें काम भी नहीं कर देना, होपफुली ज्यादा तंग ना करे। किधर जाना बेटा, उधर जाना लिफ्ट में। बेटा कैप तो उतार दे रहा है, कैप तो उतार दे पापू पापू। ये कह रहे मेरे को कैप ही उड़ाओ, चल जा दे फिर इधर इधर। इसको भाई पूरा मजा आ रहा है इस टाइम वो करने का ना, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है कि हर एक शॉप के अंदर बढ़ रहा है ना, इसमें नहीं गया, नेक्स्ट में जाएगा, नहीं भाई इस दुकान में जाएगा मेरे को लगता है। अच्छा बेटा नहीं नहीं सीधे चलो ना, नो नो नो, बच गए। तो ये आ गया भाई अपना पोस्टल ऑर्डर बनवाने के लिए, अपना पोस्ट ऑफिस यहीं से बनवाना है अपना पोस्ट कार्ड। तो ये अपना पोस्ट ऑफिस, यहाँ से अंदर से बनवाया अपना ड्राफ्ट, और ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया। दो बने हैं, एक 230 यूरो का और दूसरा बना है भाई 3 यूरो का, तो दोनों एम्बेसी ऑफ इंडिया के नाम से ना। तो गाइस फाइनली अपना
पोस्ट ऑफिस भी बन गया, पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल कार्ड और साथ में अपना पिक्चर्स वगैरह भी बन गई है आज OCI के लिए। तो होपफुली कल काम हो जाए और कल उनको दे के आनी है अपनी OCI एप्लीकेशन। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। हाँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और इंस्टाग्राम पर जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो ट्राई करेंगे उसको वॉइस मेल छोड़ दे, तो जो मेरे लिए ईजी हो जाता है आपको रिप्लाई देना।